हाय फ्रेंड्स, मैं अभिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क। ये स्कॉडा रैपिड है और ये मेरे पास गाड़ी आई है, पिकअप का इशू है इसका। तो गाड़ी तो स्टार्ट होगी और आप देख सकते हैं इसका इंजन कितना हिल रहा है, पूरा इंजन धर 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 कर रहा है इसका। तो इसका इंजन मिस फायर हो रही है, वो इंजेक्टर चेक करेंगे। इंजेक्टर चेक करने से पहले इसको स्कैन करेंगे, क्योंकि इसमें मीटर में माल फंक्शन का लाइट शो कर रहा है। तो स्कैनर में अपने को मालूम पड़ेगा क्या फॉल्ट है, तो स्कैन करते हैं और फिर इसका आगे जो भी रहेगा वो काम करेंगे। तो इसमें माल फंक्शन का लाइट भी है और कॉइल का लाइट भी ब्लिंक कर रहा है और एक ABS का लाइट है। स्कैन करते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या फॉल्ट आ रहा है इसमें। तो मेरे पास स्कैनर है लॉन्च पैड 3, अभी इससे स्कैन करेंगे। गाड़ी बहुत जबरदस्त हल रही है। इसमें फॉल्ट आया है सिलेंडर टू इंजेक्टर सर्किट और ये फॉल्ट एक्टिव में है, P0200200। तो इस इंजेक्टर का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो इंजेक्टर की वायरिंग चेक करना पड़ेगा या तो फिर इंजेक्टर शॉर्ट होगा उसका। तो सबसे पहले वायरिंग चेक करते हैं। निकालो ये दो नंबर का वायर, के सॉकेट यहाँ दबा के कुछ भी फर्क नहीं आया ना, ये निकालने पे फर्क गिर रहा है। गाड़ी बंद करो। टेस्टिंग लाइट लाओ। तो इसका करंट भी चेक कर लेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं। तो हमने टेस्टिंग लाइट लगा दिया है, ये गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, पूछो ना उसको, तो ऐसे बात करो। तो करंट तो आ रहा है इसमें, बल्ब ब्लेंड कर रहा है, ये इंजेक्टर फेल है। तो अभी हम इंजेक्टर इसका रिप्लेस करेंगे। इसका इंजेक्टर मैंने सर्विस करा के ले लिया हूँ और एक इंजेक्टर का मुझे सेंसर डालना पड़ा क्योंकि वो सेंसर शॉर्ट था। तो बाकी भी सर्विसिंग करा दी हूँ क्योंकि थोड़ा नॉइस भी था इसका, इंजेक्टर नॉइस कर रहा था। अभी फिटिंग करते हैं। इंजेक्टर हमने फिटिंग कर दिया है और ईयर वगैरह भी छोड़ दिया है इसका। ये गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, चालू करो भाई, थोड़ा एक्सीलेटर। तो इंजेक्टर का जो प्रॉब्लम था इसका मिसिंग का, वो तो सॉल्व हो गया है। अभी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेंगे हम और फाइनल इसका जो काम था वो तो हो गया, क्योंकि पिकअप नहीं था, इंजेक्टर एक चल रहा नहीं था। तो हमने एक इसका इंजेक्टर का सेंसर रिप्लेस कर दिया और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।